स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच नंबर 13 जो होने वाला है चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के ऊपर। हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा है मेरा भी, तो इसी चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। इस वीडियो पे भी मेहनत करनी पड़ी कल से, अब तक थोड़ा बहुत टाइम लगा के स्टैट्स वगैरह आपके लिए इकट्ठा किए हैं। अब देखते हैं सजेशंस वगैरह मैं दे पाऊँगा या नहीं। अगले मैचेस का जो भी अपडेट अगर रहेगा, जो मैचेस में अगर वीडियो बना पाऊँगा, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। IPL हो या कोई और सीरीज़ हो, जो भी रहेगा मैं एक दो दिन पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि कौन सा मैच मैं कवर करने वाला हूँ। चांसेस बहुत कम है मैं पूरे मैचेस कवर करूँगा, 100% चांसेस नहीं है। चांसेस बहुत कम है कि कल, देखो कल दो मैचेस है, कोशिश करूँगा ये एटलीस्ट एक मैच कवर करने की। जो हो जाएगा मेरे हाथ से वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट देखो, ट्रिकी विकेट है, पेसर्स को अच्छा सपोर्ट कर रहा है। 2021 में अगर कंपेयर करके देखोगे इस सीज़न का जो चल रहा है उसमें पेसर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। कंपेयर करोगे 2019 में, तो 2019 में क्या हो रहा था इस ग्राउंड पे, स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हेल्प हो रहा था, लेकिन अभी पेसर्स पे टर्न हुआ है। स्पिनर्स का टर्न स्पिनर्स को मिल रहा है, वैसे कि अब जैसे स्पिनर्स बॉलिंग करता है टर्न मिलता है, टर्न मिल रहा है, लेकिन विकेट सेक्शन में पेसर्स आगे हैं, स्पिनर्स थोड़ा पीछे ही है। इकोनॉमी में अगर देखोगे तो इकोनॉमी सेक्शन में स्पिनर्स आगे हैं, पेसर्स पीछे हैं, लेकिन हमें चाहिए विकेट टेकिंग बोलर्स। हमें इकोनॉमी पे 4 पॉइंट या 6 पॉइंट लेना नहीं है, लेना है तो 25 पॉइंट उठाना है जो कि एक विकेट पे हमें मिलता है, तो उस हिसाब से हम अपना टीम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। बैट्समैन के लिए इजी हो सकता है यहाँ पे स्कोर करना, डिफ़िकल्ट लग रहा है बैट्समैन को स्कोर करने के लिए, लेकिन ईजी हो सकता है अगर लास्ट वाला मैच कंपेयर करोगे तो। 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे बना था ABD Villiers और ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से, तो उस हिसाब से देखोगे तो अगर कोई रुक के अच्छा टाइमिंग वगैरह राइट एरियाज में अपना शॉट सिलेक्शन ले रहा है, गलत शॉट्स नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे बड़ा स्कोर आपको बनते हुए फिर से दिख सकता है। जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से बैटिंग करना चाहेगी यहाँ पे। चेसिंग जो है इस ग्राउंड पे थोड़ा मुश्किल हो रही है और सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग यहाँ पे आसान रह रही है, तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना ही चाहेगी। उसके बाद जो देखो, जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी ना, तो उनके बैट्समैन आप लेने की कोशिश कर सकते हो। चांसेस ज़्यादा है कि देखो यहाँ कम विकेट गिरेगा सेकेंड इनिंग्स में, जैसे मैंने लास्ट मैचेस यहाँ का देखा है तो थोड़ा कम विकेट यहाँ पे गिरा सेकेंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में जो है ना, जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है उनका विकेट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा गिरते हुए दिखा है, तो देखो विकेट्स यहाँ पे जाएगा। जैसे कि सिनेरियो मान लो, अभी यहाँ पे DC टॉस जीता, फर्स्ट बैटिंग ले लिया, तो हम क्या करेंगे, DC का थोड़ा बैट्समैन कवर करने की कोशिश करेंगे और MI का थोड़ा मेन बॉलर्स इनके लेने की कोशिश करेंगे। जो के कौन होंगे मेन बॉलर्स, जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग करेंगे उनके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस वेन्यू पे क्या हुआ, DC 8 मैचेस खेली है जिसमें से सिर्फ 2 ही जीत पाई है, 6 हारी है। वही मुंबई की बात करें तो 5 हारी है मुंबई यहाँ पे टोटल 9 मैचेस में, बाकी जो था वो यहाँ पे मुंबई जीती हुई है। तो इस वेन्यू पे मुंबई का जो है थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से, माफ करना, ये 14 मैचेस है, 9 मैचेस नहीं है, एक मिनट कहाँ गया, ये जो है यहाँ पे 14 मैचेस है जिसमें से 9 यहाँ पे मुंबई जीती है और 5 यहाँ पे मुंबई हारी है। तो मुंबई का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड जो है, मुंबई का यहाँ पे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है कंपेयर करोगे DC के साथ, तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बैटिंग का जो फर्स्ट टीम, मतलब बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो टीम लास्ट 10 साल में अगर देखोगे तो 53.9% विन रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर। वही चेस करते समय टीम का 44.7% विन रिकॉर्ड है लास्ट के 10 साल में बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा चांसेस है जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी वही यहाँ पे आपको विन होते हुए भी दिख सकती है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 4 साल में देखोगे तो देखो कैसा था, 2018 में 200 प्लस का स्कोर इस ग्राउंड पे बन रहा था फर्स्ट इनिंग्स में, 2019 में पूरी तरह से कम हो गया 140 से 150 के आसपास, अब वही 2021 में देखोगे तो 160 प्लस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो इस मैच में हम मान के चल सकते हैं कि 170 प्लस हमें स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में होते हुए दिख सकता है। अब कौन से टाइप के बॉलर्स इस ग्राउंड पे अच्छे साबित हो रहे हैं लास्ट के 10 साल में देखोगे तो चिनमन बॉलर्स, ये जो इकोनॉमी रेट है
पाँच से छः के बीच में एक नॉमी रेट है चिनेमन बॉलर्स का। चिनेमन अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों टीम्स के पास मेरे हिसाब से कोई चिनेमन बॉलर है नहीं। उसके बाद लेग बॉलर्स हैं, लेग ब्रेक बॉलर्स, सात की इकनॉमी है लेग ब्रेक बॉलर्स की। ऑफ ब्रेक बॉलर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, 9.5 की इकनॉमी, ऑर्थोडॉक्स की 9 की इकनॉमी, और फास्ट बॉलर्स 11 की, मीडियम पेस बॉलर्स जो हैं वो 8.5 की इकनॉमी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ये इकनॉमी रेट है, तो इसी हिसाब से बॉलर्स अच्छे भी साबित यहाँ पे हो सकते हैं। अब लास्ट के जो 12 मैचेस मैंने कैलकुलेट किया उसमें देखो विकेट सिनेरियोस क्या था। पेसर्स ने 35 निकाला 2019 में, और ये जो 2021 में चार मैचेस हुए थे उसमें 37 विकेट्स यहाँ पे पेसर्स ने निकाला है। स्पिनर्स का देखोगे तो 2019 में जो है स्पिनर्स ने 49 विकेट निकाला, लेकिन यहाँ पे देखोगे इन चार मैचेस में इस सीज़न के तो 20 विकेट। तो यहाँ पे क्यों कह रहा था मैं पेसर्स आगे है, यहाँ पे 20 इन्होंने निकाला है, 37 यहाँ पे पेसर्स ने निकाला है। तो पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिल रहा है कंपेयर करने पे स्पिनर्स को। अब कौन से इनिंग्स में पेसर्स अच्छे हैं? फर्स्ट इनिंग्स में 21 विकेट पेसर, 10 विकेट स्पिनर। सेकेंड इनिंग्स में 16 विकेट पेसर, 10 विकेट स्पिनर। तो स्पिनर दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। पेसर्स खासकर फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे साबित हो रहे हैं, ज़्यादातर विकेट्स जो गिर रहा है वो पेसर के खाते में यहाँ पे जा रहा है। सेकेंड इनिंग्स में भी पेसर्स के खाते में ही ज़्यादा विकेट यहाँ पे 2021 में गिरते हुए दिखा है। वही 2019 में देखोगे तो दोनों साइड पे स्पिनर्स आगे हैं, पेसर्स पीछे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स जो है पहला मैच खेल रही है इस सीज़न में इस ग्राउंड पे। यमई ऑलरेडी 2-3 मैचेस यहाँ पे खेल चुकी है, तो मुंबई इंडियंस के पास वेन्यू का अच्छा खासा नॉलेज है, डीसी के पास थोड़ा कम नॉलेज है इस वेन्यू के ऊपर। तो मुंबई के मतलब ज़्यादा चांसेस है मुंबई अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख जाएगी। हेड टू हेड में क्या हुआ, मुंबई 16 बार जीती है, डीसी यहाँ पे 12 बार जीती है। अच्छा मैच देखने को मिलेगा, दोनों यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। लास्ट जो हुआ था ना 2020 का जो आईपीएल सीजन हुआ था उसमें मुंबई ने 4 बार डीसी को हराया था, टाइटल भी जीती थी मुंबई और डीसी भी फाइनल पे पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो चारों का चार मैचेस जो लीग स्टेज में खेला गया, सेमीफाइनल हो या क्वार्टर फाइनल हो या फाइनल हो, सारे चार मैचेस यहाँ पे मुंबई ही जीतते हुए दिखी थी दिल्ली कैपिटल्स के सामने। उसके बाद फाइनल सजेशंस वगैरह कुछ आपको चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, हटके प्रेडिक्टर आप सर्च कर सकते हो, येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ड्रीम इलेवन के अलावा कोई और ऐप पे खेलना चाहते हो तो इलेवन चैलेंजर्स के नाम से एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पे खेल सकते हो। बहुत यहाँ पे अच्छे खासे बोनसेस हैं, फ्री एंट्रीज है, ग्रैंड लीग्स भी हैं इसके अंदर, 10,000 वाले ग्रैंड लीग्स, फ्री गिव अवे, 50,000 वाले ग्रैंड लीग्स, सारा कुछ यहाँ पे अभी लाइव चल रहा है। एडवांटेजेस क्या है, इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा 2 मिनट में, 5 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन बास्केटबॉल में, 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन फुटबॉल में, सेकेंड इनिंग्स फैंटेसी है, 100% बोनस यूसेजेस लीग्स मिलेंगे, गिव अवेस आता है हर इतवार पे यहाँ पे, टेस्ट मैचेस में 4 इनिंग्स के कंटेस्ट भी दिए जाते हैं, आराम से जीत सकते हो, लेस एंट्री फी है ड्रीम इलेवन से कंपेयर करोगे तो, और कॉम्पिटिशन लेवल भी बहुत कम है यहाँ पे। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ डाउट्स वगैरह है तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको क्लियर होते हुए मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैट्स की। स्टैट्स मैं आपको ऑल इन वन स्टैट्स दे रहा हूँ हेड टू हेड का, वेन्यू का, इस सीज़न में फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और आपको प्लेयर बैटल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लेयर बैटल्स मतलब मेरे हिसाब से वो प्लेयर स्ट्रगल्स है, किस किस के सामने इनका स्ट्रगल है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली का प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये हो सकता है और बैटिंग ऑर्डर के साथ, डेथ में आपको रबड़ा एनरिच नॉर्डजे अगर खेलता है तो, या फिर क्रिस वोक्स और आवेश खान, ये तीन आपको डेथ में या ओपन करते हुए भी बॉलिंग दिख सकते हैं। अब स्टैट्स की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले शिखर धवन, 8 मैचेस में 190 रन हेड टू हेड में। उसके बाद वेन्यू पे भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 8 मैचेस में 290 रन वेन्यू के ऊपर। इस सीज़न में देखोगे तो पहले मैच में 85 किया, फिर 9 रन, फिर 92, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है। कौन से इनिंग्स में किया है वो भी देख लो यहाँ पे, जो बड़ा स्कोर खड़ा किया है वो खासकर सेकेंड इनिंग में है, फर्स्ट इनिंग्स में 9 पे आउट हुआ था शिखर धवन। सेम यहाँ पे चलता है पृथ्वी शाह के साथ भी, वेन्यू पे और हेड टू हेड में उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। इस सीज़न में जो दो अच्छे मतलब इसके स्कोर्स खड़े हुए थे वो सेकेंड इनिंग्स में थे, फर्स्ट इनिंग्स में ये भी 2 रन पे आउट हुआ था। उसके बाद आता है स्टीवन स्मिथ, एक ही मैच खेला था 9 रन, और ऋषभ पंत एक अच्छी पारी थी 51 की जो कि फर्स्ट इनिंग्स में आई थी। हेड टू हेड और वेन्यू पे स्टीवन स्मिथ बढ़िया है,
आठ मैचेस में 197 रन्स वेन्यू के ऊपर, और हेड टू हेड में तो खतरनाक साबित हुआ है, 14 मैचेस में 429 रन्स। वही ऋषभ पंत की बात करें तो 10 मैचेस में लगभग 300 रन हेड टू हेड में, और वेन्यू पे भी ऋषभ पंत अच्छा है। मतलब यहाँ से कौन कौन अच्छा हुआ आपको, सबसे टॉप फोर में अगर आप देखोगे हेड टू हेड वेन्यू रिसेंट परफॉर्मेंस, शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत। इसका पृथ्वी शॉ का हेड टू हेड और वेन्यू उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। चाहो तो ग्रैंड लीग वगैरह में इसको एज ए डिफरेंशियल लेकर चल सकते हो पृथ्वी शॉ को। उसके बाद आता है मार्कस स्टोइनिस और ललित यादव। मार्कस स्टोइनिस 9 मैचेस में 10 विकेट, 111 रन हेड टू हेड में। ललित यादव एक मैच खेला था, कुछ स्टैट्स नहीं था क्योंकि बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं की थी। इस सीजन में देखोगे तो ललित यादव का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है, इसको बॉलिंग नहीं मिल रही है। इस मैच में सिर्फ एक ही ओवर इसको करने को मिला था, अगर ये चार ओवर डालेगा तो आपको लगभग 2 विकेट निकालते हुए दिख सकता है ललित यादव। वही हम बात करें यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस की, तो स्टोइनिस भी लगातार बॉलिंग नहीं कर रहा, लास्ट मैच में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखा था। सेकेंड इनिंग्स में 14 रन किए थे बैटिंग करते हुए, और फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 0 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए डकआउट हो गया, और सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 0 विकेट। तो उतना कुछ खास प्रदर्शन स्टोइनिस ने अभी तक किया नहीं है, लेकिन कभी भी कर सकता है मार्कस स्टोइनिस। उसके बाद आता है क्रिस वोक्स और रविचंद्रन अश्विन। वोक्स की बात करें तो 2 मैच में 2 विकेट हेड टू हेड में निकाला है, पहले मैच में 2 विकेट निकाला फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए, फिर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए भी 2 विकेट निकाला, और फर्स्ट इनिंग्स में फिर से बॉलिंग करते हुए थर्ड मैच में 1 विकेट निकाला। तो यानी कि देखोगे तो तीनों इनिंग्स में आपके लिए वोक्स एक अच्छी पिक साबित होने वाली है। उसके बाद अश्विन, अश्विन का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन अश्विन की एक बात मैं आपको बता दूँ, होम ग्राउंड है अश्विन का, ये ग्राउंड, ये जो वेन्यू यहाँ पे खेला जा रहा है वो अश्विन का होम ग्राउंड है, यहीं पे पला बड़ा है, यहीं पे प्रैक्टिस वगैरह किया, यहीं पे अच्छा खासा प्रदर्शन दिया हुआ है। तो आपको इस वेन्यू पर अश्विन आपको फिर से अच्छा करते हुए इस मैच में जरूर दिखने वाला है। 42 मैचेस में 51 विकेट्स वेन्यू पे निकाल चुका है रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद आता है कागिसो रबड़ा, 8 मैचेस में 9 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाला, पहले मैच में खेला नहीं था, तीसरे मैच में 1 विकेट निकाला। फिर आवेश खान, हेड टू हेड का कोई स्टैट्स है नहीं। वही बात करें यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में, पहले मैच में 2 विकेट, सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट, फिर 1 विकेट, यानी कि आवेश खान और कागिसो रबड़ा ये सब बॉलिंग से बहुत बढ़िया साबित होने वाले हैं। जैसे कि क्रिस वोक्स 1, रविचंद्रन अश्विन 2, रबड़ा और आवेश खान 4, ये चार बॉलर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। उसके बाद आता है अमित मिश्रा, जो कि तंग कर सकता है किसको, रोहित शर्मा को, ईशान किशन को और कैरन पोलार्ड को, ये तीन बैट्समैन को जो है अमित मिश्रा यहाँ पे तंग कर सकता है। ये मैच खेलने का चांसेस है अमित मिश्रा का, आप देखते हैं कि अगर खेलता है तो रोहित परेशान हो सकता है, ईशान किशन परेशान हो सकता है, और कैरन पोलार्ड यहाँ पे परेशान हो सकता है अमित मिश्रा से। वेन्यू पे 6 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में 13 मैचेस में 15 विकेट। अब ये तो हो गया बेंच प्लेयर्स की बात करें तो लुकमान मेरीवाला 1 मैच खेला था जिसमें 1 विकेट निकाला था, बहुत बढ़िया डोमेस्टिक प्लेयर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखा होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखा था, और स्टैट्स भी इसका कहता है कि एक बहुत बढ़िया T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है। थोड़ा एक्सपीरियंस कम है क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है, 1-2 मैचेस खेलेगा तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे जरूर दिखेगा लुकमान मेरीवाला। ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लास्ट मैच में खेला नहीं था, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पे उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं अजिंक्य रहाणे का। उसके बाद टॉम करन, हेड टू हेड और वेन्यू पे उतना कुछ खास प्रदर्शन है नहीं, 2 मैचेस में 1 विकेट निकाला था। ईशांत शर्मा अभी तक खेला नहीं है, अगर खेलता है तो लेकर चल सकते हो। हेड टू हेड में 14 मैचेस में 16 विकेट निकाला है ईशांत शर्मा में, और थोड़े बहुत यहाँ पे बैट्समैन को परेशान भी कर सकता है ईशांत शर्मा। उसके बाद उमेश यादव, इसका भी स्टैट्स है, अनिरुद्ध जोशी, इसका कोई स्टैट्स यहाँ पे अभी के लिए मौजूद नहीं है। सैम बिलिंग्स है, शेमरॉन हेटमियर है, प्रवीण दुबे, एनरिश नॉर्ट, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल का चांसेस है खेलने का, अगर खेलता है तो एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकती है। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है सारे प्लेयर्स का स्टैट्स आपको देने को, ये जो चार प्लेयर्स है अभी तक यहाँ पे इनका कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं है तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। ये अगर कोई खेलता है तो मैं आपको इनका करियर रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उसके बाद अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो इसमें रोहित शर्मा डिकॉक ओपन करते हुए दिख सकते हैं, उसके बाद ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, राहुल चहार, एदम मिलने, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। डेथ में ऑब्वियसली बोल्ट और बुमराह ही करते हुए दिखेंगे, और ओपन में भी बोल्ट के साथ मेरे हिसाब से बुमराह नहीं आएगा, यहाँ पे एदम मिलने आ सकता है ओपन करने के लिए, या फिर बुमराह भी आ सकता है ओपन करने के लिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैट्स की। रोहित शर्मा दोनों साइड पे अच्छा है, वेन्यू पे हो हेड टू हेड पे, और यहाँ पे दो मतलब 30+ का स्कोर्स खड़ा किया है। एक चीज़ है देखो, मुंबई 3 मैचेस खेल चुकी है लेकिन अभी तक चेसिंग नहीं की है, जो भी की है फर्स्ट बैटिंग ही की है और सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग की है। तो अगर चेसिंग करेंगी तो ये थोड़ा स्टैट्स इनका ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि तीनों मैचेस का इनका डेटा जो आपको मिलेगा वो सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स का ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्विंटन डिकॉक 2 रन 40, वेन्यू पे उतना कुछ खास नहीं, हेड टू हेड में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लगभग 30+ की एवरेज है हेड टू हेड में, लेकिन वेन्यू पे थोड़ा खराब रिकॉर्ड है क्विंटन डिकॉक का। उसके बाद ईशान किशन, ईशान किशन एक बढ़िया पिक है, हेड टू हेड में 10 मैचेस में 279 रन, सूर्या कुमार यादव 15 मैचेस में 295 रन, वेन्यू पे 4 मैचेस में 69 रन, सूर्या कुमार यादव 7 मैचेस में 175 रन, दोनों साइड से अच्छा है सूर्या कुमार यादव। उसके बाद लास्ट के 3 मैचेस अगर देखोगे तो 28-1-12 ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव 31-56 और 10। इस मैच में सूर्या कुमार यादव को ग्रैंड लीग में एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव को, ये दोनों आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। मुझे लग रहा है इस मैच में दोनों आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड। पांड्या अभी तक तो बॉलिंग नहीं कर रहा और पांड्या का स्टैट्स भी कहता है उतना कुछ खास नहीं है, ना तो हेड टू हेड में ना वेन्यू पे। पोलार्ड हेड टू हेड में आगे है, वेन्यू पे आ गया है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा है पोलार्ड का। एक मैच में इसने 35 नॉट आउट लास्ट मैच में किया था, बॉलिंग से एक एक ही ओवर डाल रहा है, ज़्यादा ओवर डालते हुए नहीं दिख रहा है, और हार्दिक पांड्या टोटल फ्लॉप गया है बैटिंग साइड से। उसके बाद आता है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या बढ़िया पिक रहेगी आपके लिए, 11 मैचेस में 249 रन हेड टू हेड में, प्लस 9 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू पे भी 5 मैचेस में 6 विकेट और लास्ट 3 मैचेस में भी थोड़े बहुत रन प्लस हर मैच में एक एक विकेट लेते हुए दिखा है। राहुल चाहर बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, लास्ट 2 मैचेस में 7 विकेट निकाल चुका है, हेड टू हेड और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है राहुल चाहर का। उसके बाद आता है एडम मिलने, लास्ट मैच में खेला था लेकिन विकेट लेस गया था, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। जसप्रीत बुमराह का हेड टू हेड और वेन्यू पे डिसेंट रिकॉर्ड है और लास्ट 3 मैचेस में 3 विकेट निकाला है जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद आता है ट्रेंट बोल्ट, स्विंग मास्टर है, स्विंग अगर मिल गया तो भाई अपोजिशन का टॉप ऑर्डर उड़ने वाला है, सीधी सीधी बात है, निकाल लेगा ट्रेंट बोल्ट उनको। 4 मैचेस में 9 विकेट निकाल चुका है हेड टू हेड में, वेन्यू पे 5 मैचेस में 7 विकेट। विकेट्स भी देखोगे तो पहले मैच में 1, फिर दूसरे मैच में 2, तीसरे मैच में 3, यानी कि ये चौथा मैच है, क्या 4 विकेट लेगा? कमेंट करके बता सकते हो कि ट्रेंट बोल्ट कितना विकेट यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद है पीयूष चावला, अगर खेलता है तो स्टैट्स यहाँ पे मौजूद है, धवल कुलकर्णी है, सौरभ तिवारी, आदित्य तारे, क्रिस लिन एक मैच में खेला था, नथन कोल्टरनेल अभी तक खेला नहीं है, अगर खेलेगा तो एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक हो सकती है, जयंत यादव, जिमी नीशम, अनमोल प्रोत सिंह, अनुकूल रॉय, मार्को जेंसन, युधवीर सिंह, मोहसिन खान और अर्जुन तेंदुलकर। इसमें से कोई भी अगर खेलता है जिसका स्टैट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनका मैं करियर रिकॉर्ड आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल्स या फिर प्लेयर स्ट्रगल्स की। शिखर धवन, धवन का कोई भी स्ट्रगल नहीं है किसी बॉलर के सामने, अच्छा परफॉर्म फिर से करते हुए दिख सकता है यहाँ पे शिखर धवन। उसके बाद पृथ्वी शाह, ट्रेंट बोल्ट परेशान कर सकता है, 12 बॉल 13 रन 3 बार आउट कर चुका है, राहुल चाहर 6 बॉल में 1 बार आउट कर चुका है, अजिंक्य रहाणे, बोल्ट, कृणाल पांड्या, राहुल चाहर, जिमी नीशम, 4 बॉलर इसको परेशान कर सकते हैं। ऋषभ पंत किसके सामने परेशान है? सबसे पहले तो नथन कोल्टरनेल के सामने, उसके बाद यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के सामने, उसके बाद कृणाल पांड्या के सामने। ऋषभ पंत जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने स्ट्रगल करता है, जो कि कृणाल पांड्या जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ज़्यादा मतलब इसका स्ट्रगल रहता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने। उसके बाद आता है शिमरॉन हेटमेयर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, नथन कोल्टरनेल, तीनों परेशान कर सकते हैं इसको। मार्कस स्टोइनिस को बुमराह और नीशम अगर खेलता है तो, उसके बाद स्टीवन स्मिथ, अगर नथन कोल्टरनेल खेलता है तो परेशान हो सकता है स्टीवन स्मिथ, बाकी किसी के सामने स्ट्रगल नहीं है स्टीवन स्मिथ का। वही मुंबई इंडियंस के बैट्समैन की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, डिकॉक को सबसे पहले परेशान करेगा रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद यहाँ पे ईशान शर्मा, उसके बाद नॉर्डगे और क्रिस वोक्स, ये प्लेयर्स यहाँ पे परेशान करते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे किसको, क्विंटन डिकॉक को। उसके बाद आता है हमारा हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो रबड़ा को 5 बार आउट हुआ लेकिन गेंद भी 180 है तो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। नॉर्डगे को 15 बॉल में 25 रन करते हुए 1 बार आउट हुआ रोहित शर्मा, उसके बाद क्रिस वोक्स, ये थोड़ा देखने लायक था क्रिस वोक्स का, 20 बॉल में सिर्फ 8 रन कर पाया और 1 बार आउट हो चुका है यहाँ पे रोहित शर्मा क्रिस वोक्स के सामने। उसके बाद अमित मिश्रा,
अमित मिश्रा ने 85 बॉल्स में 6 बार आउट किया है रोहित शर्मा को। ईशान शर्मा ने भी 40 गेंद में 3 बार आउट किया है रोहित शर्मा को। तो ये जो चार बॉलर्स हैं, चार नहीं तीन मान के चलो, ये जो तीन बॉलर्स हैं ये तीनों यहाँ पे परेशान करते हुए दिख सकते हैं रोहित शर्मा को। उसके बाद आता है सूर्या कुमार यादव, उमेश यादव के सामने थोड़ा परेशान है, नॉर्जे के सामने थोड़ा परेशान है, और रबड़ा को ठीक ठाक खेल लेता है लेकिन विकेट भी दे सकता है सूर्या कुमार यादव। उसके बाद यहाँ पे ईशान किशन, बच के चलना पड़ेगा इसको किससे, अमित मिश्रा से। 4 बॉल 6 रन 2 बार आउट कर चुका है, रबड़ा 1 बार आउट किया है, और उमेश यादव को एक ही गेंद खेला था जिसमें डकआउट पहले ही बॉल पे आउट हो गया था ईशान किशन। उसके बाद हार्दिक पांड्या, रबड़ा परेशान कर सकता है, टॉम करन है, अमित मिश्रा है, कैरन पोलार्ड सबके सामने परेशान है, वोक्स, रबड़ा, अश्विन, ईशान शर्मा, अमित मिश्रा, तो सारे बॉलर्स के सामने कैरन पोलार्ड का थोड़ा स्ट्रगल है इस दिल्ली कैपिटल्स की टीम के आगे। कृणाल पांड्या एक ही मतलब स्ट्रगल लगा था उमेश यादव के सामने, 8 बॉल 12 रन 1 बार आउट हो चुका था कृणाल पांड्या। तो ये हो गया स्टैट्स वगैरह, सारा कुछ आपको मिल गया, प्लेयर बैटल्स सब कुछ मिल गया। आप टीम की यहाँ पे अगर बात करें तो टीम देखो, अब यहाँ पे दो टीम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला एक है, ये वाला एक है। अगर मैं स्मॉल लीग खेलूँगा तो मैं इस टीम के साथ जाऊँगा, इसमें जो है थोड़ा चेंजेस रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बड़े प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट इश्यू होगा यहाँ पे। क्रेडिट्स आपके पास है तो ईशान किशन की जगह पे आप डिकॉक ले लो, अगर 9.5 क्रेडिट्स आपके पास मौजूद है तो, या फिर ऋषभ पंत की जगह पे भी डिकॉक ले सकते हो, या फिर ऋषभ पंत भी लेकर चल सकते हो। और यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में कोई उतना खास ऑप्शंस लगा नहीं, चाहो तो पृथ्वी शॉ ले सकते हो स्टीवन स्मिथ की जगह पे। और ऑलराउंडर्स में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कृणाल पांड्या का, यहाँ पे कृणाल पांड्या को ट्राई कर सकते हो। बॉलर्स में भी आपके पास किस किस का ऑप्शन है, यहाँ पे बुमराह है, अश्विन है, ये दो को भी किसी की जगह पे स्वैप कर सकते हो। जैसे कि अगर स्वैप आपको करना है तो रबड़ा की जगह पे बुमराह लेना पड़ेगा या अश्विन लेना पड़ेगा, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको लोगे। मेरा देखो कुछ फाइनल टीम टॉस पे डिपेंड करेगा, मैं यहाँ पे रबड़ा की जगह पे बुमराह को भी ले सकता हूँ। अब फिलहाल के लिए जो है वो कुछ ऐसा ही टीम यहाँ पे रहेगा, और कैप्टन यहाँ पे स्टीवन स्मिथ, वाइस कैप्टन सूर्या कुमार यादव। ये मेरा कुछ स्मॉल लीग के लिए टीम हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पे कैप्टन धवन, वाइस कैप्टन सूर्या कुमार यादव, ये मान लो ये स्मॉल लीग के लिए ये टीम ऐसा मेरा हो सकता है। अब जो ग्रैंड लीग का टीम हमारा आएगा तो ग्रैंड लीग का कुछ ऐसा है, मैंने दोनों को ड्रॉप किया यहाँ पे, ना तो मेरे पास डिकॉक है ना मेरे पास ऋषभ पंत है, सीधा सीधा मैंने सिर्फ ईशान किशन को रखा है, और बोलिंग से बोल्ट, चहर, अश्विन, आवेश खान, और यहाँ से मैंने कृणाल पांड्या लिया, वोक्स है, धवन है, स्मिथ है, यादव है, रोहित शर्मा है। तो ये मेरा ग्रैंड लीग का टीम है, तो इसी टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग खेलूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे यही रहेंगे, स्मिथ और ईशान किशन। अब देखते हैं, कुछ फाइनल अपडेट रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।